हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीवीआर शेयर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं इसके फंडामेंटल्स बताऊंगा, इसके टेक्निकल्स देखूंगा, प्राइस पे कैसे चल रहा है, इसके प्राइस पर फोरकास्ट देखूंगा अगले आने वाले एक साल के लिए, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है, इसके फाइनेंशियल देखेंगे, होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। दोस्तों और भी कुछ इम्पोर्टेंट सवाल्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूछे हैं उसके भी बारे में जवाब देने की कोशिश इस वीडियो के अंदर करूंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके के शेयर मार्केट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। दोस्तों आपके कुछ भी क्वेश्चन है शेयर मार्केट से रिलेटेड तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं पीवीआर के शेयर के बारे में। दोस्तों ये जो पीवीआर का शेयर है दोस्तों, ये मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल के बिजनेस में है, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल्स। दोस्तों अपने जो बड़े सिटीज़ है, पुणे मुंबई या मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे मल्टीप्लेक्स का बिजनेस बहुत ज़ोर से चल रहा है। दोस्तों मतलब जहाँ पे सिनेमा थिएटर्स के अंदर मूवीज़ दिखाए जाते हैं। दोस्तों पीवीआर जो सिनेमा है वो उसकी एक चेन है, पीवीआर सिनेमा। दोस्तों ये जो पीवीआर सिनेमा है उस कंपनी की एक्चुअली स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दोस्तों इसके फाउंडर जो थे उनका नाम था अजय बिजली। दोस्तों ये जो अजय बिजली जो थे दोस्तों, इन्होंने ये कंपनी 1997 के अंदर एक्चुअली फाउंड की, 1997 के अंदर मतलब 23 साल पहले। दोस्तों पीवीआर सिनेमा जो था इसका एक्चुअली जन्म आप बोल सकते हैं प्रिया सिनेमा उस जो साउथ दिल्ली के अंदर था उससे हुआ है। दोस्तों ये प्रिया सिनेमा जो था दोस्तों, ये जो था दोस्तों प्रिया जयसिंघानी नाम के एक पर्सन थे, प्रिया जयसिंघानी, जिनका एक्चुअली साउथ दिल्ली के अंदर प्रिया सिनेमा नाम का एक एक्चुअली सिनेमा थिएटर हुआ करता था। तो अजय बिजली जी ने 1978 के अंदर वो जो सिनेमा हॉल है दोस्तों प्रिया सिनेमा, वो खरीद लिया दोस्तों। और वो ऑल्सो ये जो अजय बिजली जो थे दोस्तों, वो अमृतसर के अंदर ट्रक ट्रांसपोर्ट का एक बिजनेस भी ऑन किया करते थे, ट्रक ट्रांसपोर्ट का, जिसके अंदर वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह किया करते थे। दोस्तों फिर अजय बिजली ने ये जो सिनेमा हॉल है प्रिया सिनेमा उसको पूरी तरीके से रिवैम कर दिया दोस्तों, और रिवैम करने के बाद वहाँ पे थोड़े से मल्टीपल स्क्रीन्स लगाए, और 1990 के अंदर ये बिजनेस जो है वो काफ़ी सक्सेस हुआ दोस्तों, काफ़ी सक्सेस हुआ। और फिर बाद में उन्होंने 2003 के अंदर आईसीआईसी वेंचर के अंदर इन वेंचर्स के साथ एक्चुअली छोटी सी पार्टनरशिप की, और आईसीआईसी वेंचर्स ने इसके अंदर ये जो प्रिया सिनेमा और पीवीआर सिनेमा है दोस्तों इसके अंदर 40 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए, और उन्होंने मल्टीपल स्क्रीन खोलना पीवीआर सिनेमा के थ्रू चालू कर दिया। दोस्तों एज ऑफ नाउ अगर बोला जाए तो इनके पास 822 स्क्रीन है पूरे इंडिया के अंदर, 822, और वो 172 लोकेशंस के अंदर है दोस्तों, और 69 सिटीज़ के अंदर, जो बड़े सिटीज़ हैं इंडिया के उसी के अंदर ये पीवीआर सिनेमा है। दोस्तों इनका एक्चुअली एक्सपेंशन का प्लान भी है दोस्तों, कि इसको और एक्सपेंशन किया जाए दोस्तों, दिल्ली, पुणे, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, पंजाब, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, सतना, रायपुर, तो ऐसे बहुत सारे, चेन्नई हैं, पुणे है दोस्त, कोलकाता, हावड़ा, उदयपुर, कोटा, लखनऊ, बेंगलुरु, मैसूरू, मैंगलुरु, हुबली, हैदराबाद, कोची, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर, मुंबई, तो नागपुर, औरंगाबाद, लातूर, मतलब ऐसे पुणे, कोल्हापुर, ऐसे जलगांव, ऐसे बड़े सिटीज़ के अंदर बहुत इनके स्क्रीन से दोस्तों पीवीआर सिनेमा के। दोस्तों ये जो बिजनेस है दोस्तों, सिनेमा का जो बिज़नेस है और सिनेमा थिएटर का जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये मुझे नहीं लगता आने वाले कुछ सालों के लिए तो एटलीस्ट बंद होगा। दोस्तों ये टेम्परेरी बंद हुआ है मगर मुझे नहीं लगता ये बंद होगा। तो इनके पास एक्चुअली काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों, मतलब 900 के करीब इनके स्क्रीन्स हो चुके हैं, 850 स्क्रीन्स है, 1600 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इनके यहाँ पे इस पीवीआर के अंदर काम कर रहे हैं दोस्तों, परमानेंट एम्प्लॉयज़।
तो काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा बिजनेस है, रेवेन्यू मॉडल भी काफ़ी बढ़िया और अच्छा है दोस्तों। तो अब चलिए बात कर लेते हैं इस स्टॉक के बारे में, इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। ये जो PVR लिमिटेड है, इसके कुछ की पॉइंट्स की अगर बात करें दोस्तों, इसका पी जो है 223 का है। 223 मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे ये मिल रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। इसके प्राइस टू बुक रेशियो की अगर बात करें तो 4.31 का है। डिविडेंड, अगर डिविडेंड की बात की जाए तो 0.32 का है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे देखें तो सेक्टर का पी तो नेगेटिव में चल रहा है दोस्तों। स्मॉल कैप कंपनी है, 6,800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, लो रिस्क है इसके अंदर। अब देख लेते हैं ये चार्ट पे कैसा कर रही है दोस्तों। आज के दिन इसके अंदर ज़बरदस्त गिरावट हुई है 2% की। एक वीक के अंदर निगेटिव रिटर्न दिया है, 3.68% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है इसने। वन मंथ का डेटा देख लेते हैं दोस्तों, वन मंथ में 0.7% का रिटर्न इसने बना के दिया है दोस्तों। अब देख लेते हैं एक साल के अंदर कितना रिटर्न बना के दिया है। एक साल में भी दोस्तों निगेटिव रिटर्न दिया है, -21% का। 5 सालों का डेटा यहाँ पे देखे दोस्तों, तो 5 सालों में इसने 52% का बढ़िया रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स को दिया हुआ है। मैक्स डेटा देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों पिछले 14 सालों के अंदर इसने 322% का रिटर्न बना के दिया दोस्तों। कोविड के वजह से इसके अंदर बहुत ही ड्रास्टिक गिरावट हो चुकी है, क्योंकि कोविड की वजह से सिनेमा हॉल्स बंद है दोस्तों। ये कोविड हमेशा के लिए नहीं रहेगा, मगर यही मौका होता है कि ऐसे शेयरों के अंदर हम एंट्री ले ले दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्राइस पे हमें इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए दोस्तों। किसी ने अगर सिप की होती तो उसको 1% का लॉस होता दोस्तों। प्राइस फोरकास्ट देख लेते हैं दोस्तों अगले आने वाले एक साल की। 25 एनालिस्ट इसको एनालाइज किया हुआ है और 64 एनालिस्ट इसको बाई की रेटिंग दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ से अपर साइड 1600 रुपये की है, 31% ऊपर जा सकता है। मीडियम भी रहा तो यहाँ से अपर साइड है 11% की, और लोअर साइड में दोस्तों अगर देखें हम लोग तो ये 24% नीचे जा सकता है दोस्तों। ये शेयर मुझे पसंद आते हैं, इसका रीज़न बोलता हूँ मैं दोस्तों। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। इसके अंदर रिस्क कम है, 24% की रिस्क है, मगर प्रॉफिट जो है, रिवॉर्ड जो है वो 31% का है। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, रिवॉर्ड ज़्यादा है, रिस्क कम है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की दोस्तों। फाइनेंशियल अगर हम देखें यहाँ पे तो तीनों भी पॉइंट्स बहुत बेहतरीन है दोस्तों। दोस्तों 2018 में 2365 करोड़ का रेवेन्यू था, और 2020 के अंदर 3492 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है दोस्तों। नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम काफ़ी घटा है दोस्तों। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, इसका रीज़न ये है दोस्तों कि कंपनी जो है, थिएटर्स जो है, पिछले 7-8 महीने से बंद है, तो रेवेन्यू बिल्कुल कम ठप पड़ा हुआ है। EPS देख लेते, EPS भी बहुत कम है अभी दोस्तों। काफ़ी कम वैल्यूएशन पे ये शेयर जो है PVR का हमें मिल रहा है, ये अच्छी बात है दोस्तों, ऐसे मौके कम ही मिलते हैं दोस्तों। फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 401 करोड़ का है, जो कि अच्छी बात है। इसके कॉम्पिटिटर की बात कर लेते हैं दोस्तों। कॉम्पिटिटर अगर देखे दोस्तों तो इसका कॉम्पिटिटर एक ही है, आईनॉक्स। आईनॉक्स भी एक एक्चुअली मल्टीप्लेक्स सिनेमा की एक चेन है, जैसे PVR की है, मगर ये जो आईनॉक्स वाला जो शेयर है दोस्तों, उनके पास थोड़े से कम स्क्रीन्स हैं एज़ कम्पेयर टू PVR, क्योंकि PVR जो है इसका लीडर है इसके अंदर दोस्तों। आईनॉक्स ने PVR से ज़्यादा आउट परफॉर्म किया हुआ है और PVR ने कम किया हुआ है। अब देख लेते हैं इसके होल्डिंग पैटर्न के बारे में दोस्तों। होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रोमोटर के पास 18% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 16% की होल्डिंग है, DII के पास 31% की होल्डिंग है, फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास 36% की होल्डिंग है, अदर पार्टीज मतलब आप और मेरे जैसे लोग, उनके पास 36% की होल्डिंग है दोस्तों। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने उनकी होल्डिंग जो है बढ़ाई और फिर सडनली कम कर दी, इसीलिए इसका प्राइस जो है वो गिर गया। क्योंकि इसके अंदर पहले बीच में एक न्यूज़ आई थी कि सिनेमा हॉल्स खुलने वाले हैं, मगर वापस से सिनेमा हॉल खुलने का जो परमिशन है वो गवर्नमेंट ने बंद कैंसिल कर दिया, उसके वजह से इसके अंदर गिरावट हो गई दोस्तों वापस से। दोस्तों इसके अंदर और फर्दर गिरावट हो सकती है, जब तक सिनेमा हॉल चालू होने की खबर नहीं आएगी तो
मुझे लगता है यहाँ इसमें गिरावट बनी रहेगी। एफआई का डेटा देख लेते हैं दोस्तों, एफआई ने उनका होल्डिंग जो है वो घटाया है दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं वो घटाते ही जा रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है दोस्तों। अब देख लेते कौन से प्राइस पे हमें इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि 1100 के नीचे या 1100 1050 के नीचे ये शेयर बिल्कुल आ सकता है, 1050 के नीचे या 1100 के नीचे। 1100 के नीचे हम लोग को इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि 1100 के नीचे आएगा नहीं ये शेयर दोस्तों, मगर शेयर मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, बल्क में बाइंग किसी भी शेयर के अंदर मत कीजिए दोस्तों, चंक में बाइंग कीजिए दोस्तों। धीरे धीरे करके किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होता है, क्योंकि शेयर मार्केट में दोस्तों कोई भी शेयर 10 से 15% कभी भी गिर सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।